हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे भारत के पास खुद की करेंसी मशीन होने के बाद भी आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स क्यों नहीं छाप सकता? इससे प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, वीक इकोनॉमिक कंडीशन, इन सबको ख़त्म किया जा सकता है, पर फिर भी गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा मनी प्रिंट भी कर देती है और वो लोगों के पास पहुंच भी जाए, तो लोग क्या करेंगे? या तो आप उसे बैंक में सेव करेंगे, या तो अपनी मांग या नेसेसिटी की चीज़ों को परचेज करेंगे। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि रॉ मटेरियल्स का उतनी ही स्पीड के साथ कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग होगा जितना पहले होता आ रहा था। इन सेंस, आप ओवर प्रोडक्शन करने के लिए फेवरेबल सीजन और अबंडेंट स्टोरेज कहाँ से लाओगे? इसका मतलब है कि हमारे पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन उनके मुकाबले अवेलेबल गुड्स बहुत कम। तो इसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जब करेंसी की वैल्यू ओवर द टाइम घटनी शुरू हो जाती है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन एक एरोप्लेन है और उसमें टोटल 50 सीट्स हैं, 10 फर्स्ट क्लास और 40 इकोनॉमी क्लास। तो अगर गवर्नमेंट सबको खूब सारे पैसे बांट दे सो दैट सारे ही लोग फर्स्ट क्लास सीट्स को अफोर्ड कर पाएँ, तो लोग क्या करेंगे? फर्स्ट क्लास सीट्स के पीछे भागेंगे। लेकिन एरोप्लेन में सीट्स तो लिमिटेड हैं, तो होगा क्या कि एयरलाइंस अपने टिकट्स को और महंगी करना शुरू कर देंगी प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसा ही कुछ 2008 के अराउंड अफ्रीका के देश जिम्बाब्वे में हुआ। ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे ने सोचा कि क्यों ना पॉवर्टी को एंड करने के लिए बड़े डिनोमिनेशन के नोट छापे जाएं। तो वहाँ पे 1 मिलियन 100 ट्रिलियन डॉलर जैसे नोट्स छपने लगे। लेकिन लोग उससे रिच ना होकर और पॉवर्टी की ओर आगे जाने लगे, क्योंकि पैसे तो बढ़ रहे थे लेकिन उन पैसों के बदले जो चीज़ें आ सकती थी वो केवल लिमिटेड थी। एक टाइम ऐसा आया जब एक ब्रेड की कीमत 30 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर हो गई। तो इसे कहते हैं हम हाइपर इन्फ्लेशन। एज ए रिजल्ट, जिम्बाब्वे ने खुद की करेंसी को छोड़ यूएसए की फॉरेन करेंसी को यूज़ करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ वेनेजुएला में 2016-19 के अराउंड हुआ था, जब वहाँ इन्फ्लेशन रेट 5% से ज़्यादा बढ़ रहा था। इसीलिए पैसे की वैल्यू तभी होती है जब सरकार और लोग दोनों उस पर विश्वास करें। इन्फ्लेशन को और डीप में समझने के लिए आप व्हेन मनी डाइज द नाइटमेयर ऑफ द वीमार कोलैप्स को पढ़ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो या, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।